एक कहावत सुनी होगी आपने, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, या एक और कहावत सुनी होगी कि फिल्म दुनिया में हर फ्राइडे को एक्टर की तस्वीर बदलती है या तकदीर बदलती है, और उसी के हिसाब से पूरे बॉलीवुड चेंज हो जाता है या हिंदी सिनेमा चेंज हो जाता है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। जब भी किसी एक्टर का टाइमिंग होता है तो कोई नहीं पूछता, ये बॉलीवुड का चरण है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बॉलीवुड का जो पिछले दिनों का या बोलते पिछले सालों का इतिहास है वो बता रहा है। लेकिन जैसे ही फ्राइडे को कोई पिक्चर हिट होती है उसी समय से एक्टर या डायरेक्टर का किस्मत चेंज हो जाता है, तब तक कोई स्ट्रगल करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी पहेलियाँ क्यों बुझा रहा हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। मैं हूँ रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया ना तो ज़रूर दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट कैसा भी हो रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गदर जो फ्राइडे को मतलब 11 अगस्त को रिलीज हुई, और सनी देओल के जीवन में एक बार, मैं इसलिए बोला ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, सनी देओल पहले भी सुपरस्टार थे, उन्होंने एक साथ 20 सुपर हिट पिक्चरें दी हैं, इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि पहली बार, एक बार फिर उनके जीवन में फ्राइडे सफलता की कुंजी लेकर आया, और ये लाते ही उनके जीवन की पूरी दशा या बोल सकते हैं लोगों का मिजाज, लोगों का उनके बारे में वक्तव्य सारा चेंज हो गया सिर्फ एक फ्राइडे में। तो फ्राइडे में बॉलीवुड की कितनी ताकत है या फ्राइडे क्या साबित करता है बॉलीवुड के लिए, ये आपके सामने है। गदर ने हर जगह झंडा गाड़ा, आज भी मैं उस पे स्पेशल कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि OTT पे रिलीज होने के बावजूद भी गदर, आज ही मैं पढ़ रहा था कि 527 करोड़ के आसपास उसने केवल हिंदी में बिजनेस किया है, और 690 करोड़ के आसपास उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, और आज भी पिक्चर नॉर्थ के कई सिनेमा सिंगल थिएटर में चल रही है। ये गदर का जलवा है, या बोल सकते हैं सनी देओल के हाथों का जलवा है। जो भी है, सनी देओल के लाइफ में ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। गदर के हिट होने के बाद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो सनी देओल खुद भी बोल चुके हैं कि बॉर्डर की स्क्रिप्ट तैयार थी लेकिन उसके लिए कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू के दौरान बोला, आज वो लोग सनी देओल के घर के सामने भीड़ लगा के खड़े हैं। अब समस्या ये है कि वो पिक्चर किसका करे किसका छोड़े हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि उनका जो लोग पहले अपनी मूवी में साइन नहीं करना चाहते थे, आज 75 करोड़ तक फीस देने को तैयार है। और साउथ की एक मूवी आ रही है, काफ़ी बड़ा उनका टीम है, उसके साथ वो उन्होंने साइन किया है, जिसका उन्होंने मेहनताना जो है फीस 75 करोड़ रुपये चार्ज किया है। और जो रामायण आ रही है ना, उसमें 3 वॉल्यूम में बनेगा तो 45 करोड़ के हिसाब से मान लीजिए आप कितना पैसा हो जाता है, 150 करोड़ के आसपास। तो जैसे ही चेंज होता है सिनारियो, वैसे ही जो एक बॉलीवुड का गैंग है जो सनी देओल को मतलब दूर दूर रखते थे, उनके बारे में आपने सुना होगा गटर मूवी है, गदर के बारे में तरह तरह के ऐसे वक्तव्य आते थे, अब वो लोग भी चाहते हैं सनी देओल के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि कौन सी मूवी हिट है ऑर्गेनिकली बॉलीवुड से कोई ज़्यादा नहीं जानता। लोगों के चाहे कितना भी मैनिपुलेशन कर दूँ बॉक्स ऑफिस के थ्रू, कलेक्शन के थ्रू, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, अगर कोई आदमी चोरी करेगा तो वो जानता है चाहे पकड़ा जाए चाहे नहीं, लेकिन वो जानेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बॉलीवुड के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि गदर जो है एक ऑर्गेनिक कमाई है और ऑर्गेनिक बॉक्स ऑफिस का बम्पर हिट बोल सकते हैं। इसलिए अब ये खबर आ रही है कि जो करण जौहर है, कि करण जौहर का जो कॉफ़ी विद करण का 8वां सीजन आ रहा है,
उसमें सनी देओल को बुलाया जा रहा है, जो करण जौहर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2005 में वो लोग आए थे, बॉबी देओल और करण थी सनी देओल एक साथ, उसके बाद इनको कभी भी इग्नोर ही किया। लेकिन इसीलिए मैंने बोला झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सनी पाजी जब हिट हुए तो अपने से नहीं है, खुद चलकर आए, खुद कॉल किया कि आप मेरे शो में आइए। ये होते हैं पावर। अब मैंने पहले भी बताया था कि बहुत तो पैसा के लिए करते हैं काम, लेकिन ये फैमिली केवल पैसा कमाना इनका लक्ष्य नहीं होता, इज्जत कमाना भी लक्ष्य होता है। और अभी कोई डेट तो फाइनलाइज नहीं हुआ कि सनी पाजी कब आएंगे करण जौहर के शो में, कॉफी विद करण में, लेकिन जब भी आएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी TRP उस दिन की सबसे ज़्यादा होगी, और हम ज़रूर उसके ऊपर, उनके इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाएंगे। रहेगा आपको भी इंतज़ार, रहेगा मुझे भी इंतज़ार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।